तो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो मैं हूं आपका छोटू शेफ और आप देख रहे हैं छोटू शेफ शाइन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं रमजान स्पेशल में आपके लिए लेकर आया हूं मज़ेदार सा ठंडा सा बादाम मिल्क शेक। तो जब आप इसे फुल चिल करके आप इसे इफ्तारी में सर्व करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर तो सबसे पहले हमने रूह अफ़ज़ा लिया है। आप ये नहीं समझेगा कि हम बादाम मिल्क शेक बना रहे हैं तो इसमें रूह अफ़ज़ा का क्या काम है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डेकोरेट करने के लिए लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। एक गिलास मैंने जो है दूध लिया है और 2 टेबल स्पून जो है मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है ठीक करने के लिए। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। और ये मैंने बादाम का पेस्ट लिया है, 8 अदद मैंने बादाम लिए थे उनको मैंने जो छील कर उसका पेस्ट बना लिया है। और ये हल्के से बस ड्राई फ्रूट है जिसमें बादाम और पिस्ते भी हैं। और ये मैंने शुगर लिया है 3 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लिया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध, थोड़ा सा दूध जो है हम बचा लेंगे कस्टर्ड पाउडर के लिए। और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो बादाम का पेस्ट था ना, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जो चीनी थी वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे। तो अब हम कस्टर्ड के अंदर जो हमने थोड़ा सा दूध बचाया था ठंडा, वो आपने इसके अंदर ठंडा दूध ऐड करना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना दे जाए। तो ये हो गया, अब हम इसे साइड पर रख देते हैं। तो देखें दूध में जो है बॉयल आ चुका है और 1-2 मिनट हो गए इसको अच्छी तरह पकाते हुए। अब हम इसके अंदर जो कस्टर्ड था ना जो हमने मिक्स किया था वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसको भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो देखें 1-2 मिनट जो है वो हो चुके हैं और ये VIP साइज के अंदर कलर भी आ गया और ये थिक भी हो गया। तो अब हम इसका फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करके एक सर्विंग ग्लास में निकाल लेंगे। तो एक सर्विंग ग्लास ले लेंगे। अब हम रूह अफ़ज़ा लेंगे, 1 या 2 टेबल स्पून जो है हम इसके अंदर रूह अफ़ज़ा लेंगे। और उसको रूह अफ़ज़ा से डेकोरेट करेंगे। अब हम जो है इसके ऊपर भी थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल देंगे। और इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो तैयार है हमारा बादाम मिल्क शेक, तैयार है हमारा VIP सा बादाम मिल्क शेक। तो आपने इसको फुल चिल करना है, इफ्तारी में आपने इसे सर्व करना है, बहुत ही VIP होता है। और इसके अंदर जो रूह अफ़ज़ा है वो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसके अंदर ऐड करें, अगर पसंद नहीं है तो ऐड ना करें, आप इसे सिर्फ येलो रहने दें। और कस्टर्ड पाउडर भी ऐसी है, वो भी ऑप्शनल है, अगर आपको उसके अंदर थिक करने के लिए पसंद है तो आप इसे डालें, नहीं तो ऑप्शनल नहीं है, नहीं डालें। तो वो सिर्फ थिक करने के लिए होता है, उसका टेस्ट वगैरह नहीं आता इसके अंदर कुछ भी ऐसा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो है बादाम मिल्क शेक की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। नीचे से जल्दी से सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।